इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं हूं अंशु, आप देख रहे हैं ज्ञान न्यूज। खबर बुलंदशहर से है, जहां अर्णव की गिरफ्तारी के विरोध में पत्रकारों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। जी हां, कल महाराष्ट्र पुलिस ने रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार किया था। पत्रकारों ने महाराष्ट्र के राज्यपाल व राष्ट्रपति से सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। अर्णव गोस्वामी को जल्द से जल्द रिहाई करने की मांग की है। पत्रकारों ने कहा है कि अर्णव के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने बदले की कार्रवाई की है। यदि अर्णव को रिहा नहीं किया गया तो सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। जिलाधिकारी महोदय, चैनल बुलंदशहर विषय, महाराष्ट्र पुलिस द्वारा रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में ज्ञापन। महोदय, निवेदन यह है कि दिनांक 4/11/2020 को मुंबई पुलिस ने बर्बरता पूर्वक रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी को बदले की भावना से गिरफ्तार किया है, जिसकी उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के श्यालो तहसील के समस्त इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के पत्रकार घोर निंदा में विरोध करते हैं। महोदय, जिस प्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आवाज को महाराष्ट्र की सरकार के आदेश पर पुलिस द्वारा दबाया जा रहा है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। चूंकि अर्णव गोस्वामी ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता से रिपोर्टिंग की थी, जिसके चलते सरकार ने बदले की भावना से कार्रवाई की है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। समस्त पत्रकार अर्णव गोस्वामी की जल्द से जल्द रिहाई और महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हैं। अगर जल्द से जल्द और अर्णव गोस्वामी को रिहा नहीं किया गया तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। आज आपने शाना जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, क्या है सारा मामला? जिस प्रकार से कल महाराष्ट्र की पुलिस ने एडिटर इन चीफ रिपब्लिक भारत के अर्णव गोस्वामी के साथ बर्बरतापूर्वक कार्रवाई करते हुए बदले की भावना से गिरफ्तारी की है, उसका हम समस्त सियाना के पत्रकार विरोध करते हैं। और आज हमने सियाना एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है राष्ट्रपति महामहिम और राज्यपाल के नाम कि महाराष्ट्र सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए और जो अर्णव गोस्वामी है रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ, उन्हें तुरंत से तुरंत रिहा किया जाए। कल का दिन मीडिया के इतिहास में काला दिन है और इसकी हम घोर निंदा और विरोध करते हैं। तो ये थी इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए ज्ञान न्यूज। नमस्कार।